अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिक दाऊद और आज का खाना में जो रेसिपी बनने जा रही है वो ट्रेंडिंग है, यानी कि फ्रेंच फ्राइज मसाला या पेरी पेरी मसाला बहुत ज्यादा जो है आजकल इसका ट्रेंड चल गया है। तो आए चल के बनाते हैं पेरी पेरी मसाला या फ्रेंच फ्राइज मसाला। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बेहतरीन तरीन ये मसाला हर घर की जरूरत, क्योंकि आजकल बहुत रिवाज है बच्चों का फ्रेंच फ्राइज से मसाला छिड़क के खाने का। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल स्पून भर के कुटी लाल मिर्च, एक टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, यहाँ पे अनियन पाउडर है वो भी एक टेबल स्पून, यहाँ पे शुगर 1 टेबल स्पून, काला नमक जो है वो 1/2 टीस्पून, काला नमक बहुत अच्छा इसका मजा देता है, यहाँ पे हमारा रेगुलर नमक जो है वो भी 1/2 टीस्पून, यहाँ पे मेरे पास है लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर वो भी 2 टीस्पून चला गया, यहाँ अदरक पाउडर जो है 1 टीस्पून, यहाँ आमचूर का पाउडर आपको नजर आ रहा है ये 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून ले लें अगर खट्टा खाया जाता है आपके यहाँ, और यहाँ पे काली मिर्च है कुटी हुई, साबुत भी ले सकते हैं, ये मैंने 1 टीस्पून ले लिए। इनको हम पीसेंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंच फ्राइज का, या पेरी पेरी मसाला भी कहते हैं इसे, बहुत फायदेमंद है। मेरा ख्याल है कि आपके हर जो सीजनिंग की नीड पूरी करेगा हमारा फ्रेंच फ्राइज का मसाला। इसे पीस लेते हैं। चलिए ये देखें हमारा जो है फ्रेंच फ्राइज का मसाला या पेरी पेरी मसाला तैयार है। यकीनन बहुत जबरदस्त बना है, खुशबू बेइंतहा अच्छी है, फ्रेंच फ्राइज पे, फ्रूट्स पे या किसी भी किस्म की सीजनिंग के लिए ये बेहतरीन है। मैं इसको आपको जो है किसी चीज पे यूज करके भी दिखाता हूं। तो ये था मेरा आज का पेरी पेरी मसाला। आपने देखा कि पेरी पेरी मसाला या फ्रेंच फ्राइज मसाला कितना टेम्पटिंग था, और अगर वाकई आपको टेम्पटिंग लगा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरन से मिलें। Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.